ऑक्टावी ओएस का न्यू अपडेट आ गया है, और साथ साथ यहाँ पे इस अपडेट में जो है थोड़ा सा इधर उधर उलट फेर हुआ है। मतलब कि जो फीचर्स एप्लीकेशन जो भी यहाँ पे दिए गए हैं वो थोड़े से इधर उधर मूव हुए हैं और न्यू भी यहाँ पे ऐड हुए हैं। तो उन सभी के बारे में मैं बताऊँगा, और आपको यहाँ पे टेंशन नहीं लेना, मैं आपको बिल्कुल क्लियर बताऊँगा कौन से फीचर जो है यहाँ पे ऐड हुए हैं और किसकी जो है यहाँ पे इधर उधर से मूवमेंट हुई है, इधर से उधर जो है मूव हुए हैं, उनके बारे में भी बताऊँगा। तो वीडियो जो है लास्ट तक ज़रूर देखें। और अगर आपको इंस्टॉलेशन देखना है तो इंस्टॉलेशन जो है मैं इसका 1.4 वर्जन जो था उसमें बताया था, तो वो वीडियो को आप देख लेना, उसमें जो है इंस्टॉलेशन आपको पता चल जाएगा, उसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप एक बार उसे देख लेना ताकि आपको इंस्टॉलेशन के बारे में भी पता चल जाए। बाकी अगर आप नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लें ताकि जब भी मैं अगली वीडियो अपलोड करूँ आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं अबाउट फ़ोन की, तो यहाँ पे वर्जन 1.5 ऑक्टावी ओएस ऑफिशियल यहाँ पे देखने को मिल जाता है, और नीचे आपको मेंटेनर नेम मिल जाता है और डिवाइस नेम एंड यहाँ पे एंड्रॉयड वर्जन 11 मिल जाता है, और 5 जनवरी 2021 की बिल्कुल सिक्योरिटी पैच लेटेस्ट मिल जाता है, और कर्नल आपको स्टॉर्म ब्रेकर का कर्नल यहाँ पर मिल जाता है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे स्टेटस बार की तरफ, तो स्टेटस बार में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ब्राइटनेस स्लाइडर जो है पहले से काफ़ी पतला यहाँ पे देखने को अब आपको मिलने वाला, जो कि इसके पिछले अपडेट में काफ़ी मोटा यहाँ पे देखने को मिल रहा था। और साथ साथ यहाँ पे जो है रनिंग सर्विसेज जो है यहाँ पे ऐड की गई है, बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, तो आप चेक कर पाओगे यहाँ पे सारी डिटेल्स, ये जो है आपको यहाँ पे मिल जाता है। और यहाँ पे जो है न्यू यहाँ पे दो टॉगल्स ऐड किए गए हैं, बाकी सभी तो सेम मिलते हैं, लेकिन आपको दो न्यू टॉगल्स मिलते हैं यहाँ पे, जैसे कि एक हेडसअप है और एक यहाँ पे आपका मिल जाता है गेमिंग मोड। तो ये दो टॉगल्स हैं जो कि आपको न्यू मिलने वाले हो। 3 डॉट पर आपका बिल्कुल सेम रीसेट का ऑप्शन मिल जाता है। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग की, तो यहाँ पे जो है डिवाइस हम स्टार्ट करते हैं इस तरीके से, यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पे जो हमें लैग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बिल्कुल भी लैग आपको देखने को नहीं मिलता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग में, यहाँ पे कोई भी लैग नहीं है। एंड अगर हम यहाँ पे बात करते हैं वॉल्यूम पैनल की, तो वॉल्यूम पैनल कुछ इस तरीके से आपका पहले की तरह है, बस आपका स्टाइल मिल जाता है सेटिंग्स में, तो आप जो है चेंज कर पाओगे। एंड पावर मेन्यू की बात करें तो पावर ऑफ एंड रिस्टार्ट मिल जाता है, जिसके अंदर आपको यहाँ पे रिस्टार्ट पे सिस्टम जो कि एडवांस रिस्टार्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, ये सारे ऑप्शंस। एंड यहाँ पे रीसेंट की अगर हम बात करें तो रीसेंट आपका पहले जैसा था पिछली अपडेट में उसी तरीके से बिल्कुल आपको रहने वाला है यहाँ पे, यहाँ पे आपका कोई चेंजेस नहीं, और ये जो है काफ़ी स्मूथ है। और शेयर पे आपको डिलीट का भी ऑप्शन जो है देखने को मिल जाता है। और अगर हम यहाँ पे चलते हैं हमारे प्ले स्टोर की तरफ, तो प्ले स्टोर में अगर हम चलते हैं तो प्ले स्टोर जो है बिल्कुल आपको सर्टिफाइड यहाँ पे मिलता है, तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये जो है बिल्कुल सर्टिफाइड है, तो बैंकिंग ऐप यूज़ करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप जो है आराम से यहाँ पे बैंकिंग ऐप यूज़ कर पाओगे। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप पहले हमें कोई भी डिफ़ॉल्ट कैमरा देखने को नहीं मिलता था, लेकिन इस बार जो है कैमरा गो आपको देखने को मिल जाएगा डिफ़ॉल्ट, और जीकेम तो आप आराम से यहाँ पर यूज़ कर ही सकते हो इस जीकेम को, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी वीडियो की लिंक परफेक्ट जीकेम के नाम से, क्योंकि इसमें आपको स्लो मोशन भी वर्किंग मिल जाता है। ये जीकेम जो है 7.4 है, तो आप जो है देख लेना वो वीडियो, इसकी सारी डिटेल उसमें पता चल जाएगा। एंड अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कॉलिंग की, तो कॉलिंग जो है यहाँ पे अभी जो गूगल वाला फ़ोन डायलर होता है वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है, तो इसमें जो है आपको कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर देखने को नहीं मिलता, और इससे पहले वाले में जो है कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर देखने को मिलता था। और यहाँ पे जो है आप वीडियो कॉलिंग नहीं कर पाओगे, बाकी आपकी वोल्टेज जो है बिल्कुल ऐसे तरीके से काम कर रहा है, वीडियो कॉलिंग के लिए आपको थर्ड पार्टी ऐप ही यूज़ करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे FM हमें नहीं मिलता, म्यूजिक प्लेयर भी नहीं मिलता, जो कि आपको थर्ड पार्टी यूज़ करना पड़ेगा, और यूट्यूब वेंट मैनेजर से आप यूट्यूब वेंट आराम से डाउनलोड कर पाएंगे। एंड अगर हम यहाँ पे चलते हैं होम स्क्रीन की तरफ, तो यहाँ पे क्विक स्टेप जो कि आपको यहाँ पे मिल जाता है लॉन्चर, तो ये आपको मिलने वाला है सेटिंग्स। एंड यहाँ पे चलते हैं हम होम जो कि हमारा सेटिंग्स मेन है, तो वहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे जो हेडर है सेटिंग्स का वो बिल्कुल ही आपको चेंज मिल जाता है यहाँ पे, कुछ इस तरीके से पहले से काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। तो आप यहाँ से जो है अपना नेम चेंज कर सकते हो जो कि मल्टीपल यूज़र के अंदर। एंड यहाँ पे आपका वाईफाई प्लस हॉटस्पॉट सेम टाइम पे वर्किंग है, कास्ट आपका काम नहीं करता यहाँ पे। और बैटरी के अंदर अगर हम यहाँ पे चलते हैं तो बैटरी के अंदर आपको एक चेंज मिलता है, यहाँ पे स्मार्ट चार्जिंग ऐड कर दिया गया, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। और बैटरी बैकअप की बात करें तो 2 आवर फुल ब्राइटनेस पे वीडियो प्ले करने के बाद 65% बैटरी हमें यहाँ पे देखने को मिली, और इससे पहले वाले में 63% थी, तो बैटरी थोड़ी सी आपको इम्प्रूव देखने को मिल जाती है। और अगर हम चलते हैं यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर, तो डिस्प्ले के अंदर आपके यहाँ पे जो है ये सारे ऑप्शंस आपके काम कर रहे हैं। स्टाइल एंड वॉलपेपर्स के अंदर आपका यहाँ पे जो है स्टाइल मिल जाता है, एंड वॉलपेपर आपका डिफॉल्ट जो कि ऑक्टावी ओएस का वही आपको मिलेगा यहाँ पे, एंड स्टाइल आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ग्रिड मिल जाता है। और क्लॉक में अगर आप देखेंगे तो क्लॉक में आपको एनिमेशन यहाँ पे मिल जाते हैं 3, जो कि क्लॉक के एनिमेशन भी आपको मिल जाते हैं यहाँ पे, ये तीनों जो कि लोडिंग एनिमेशन है, यहाँ पे बबल एनिमेशन है, तो इस तरीके से मिलते हैं। तो आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ यहाँ पे किस तरीके जो है ये देखने को मिलता है आपके लॉक स्क्रीन में, तो आप यहाँ पे देख सकते हो।
कुछ इस तरीके से जो है ये एनिमेशन आपके क्लॉक में देखने को मिलेगा। इस तरीके से जो है आपको ये तीन एनिमेशन यहाँ पे मिल जाता है, तो काफ़ी अच्छे एनिमेशन आप जो ऐड करना चाहो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो इनको, तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। एंड अगर हम यहाँ पे बैक करते हैं और यहाँ पे जो ऑटो रोटेशन है ये आप हर डिग्री पे ऑल डिग्री पे जो है आप रोटेट अप कर पाओगे इस अपडेट के बाद। एंड यहाँ पे लॉक स्क्रीन के अंदर चलते हैं तो बैक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन एंड बाकी सारी सेटिंग्स सेम मिलती है, लेकिन एडवांस सेटिंग्स में अब आपको सिर्फ सेंसर की सेटिंग्स है, बाकी ऑलवेज ऑन ये सारी सेटिंग्स जो है यहाँ से मूव कर दी गई है फिलहाल। एंड आपको सिर्फ अभी यहाँ पे यही देखने को मिलने वाला है। एंड बैक करते हैं तो डबल टैप टू बैक काम कर रहा है, पॉकेट डिटेक्शन ऐड कर दिया गया है और यहाँ पे हमारा जो है सिर्फ क्लॉक का ऑप्शन है, बाकी थीम के ऑप्शन भी यहाँ से मूव किए गए हैं जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा। एंड यहाँ पे साउंड के अंदर आपको वॉल्यूम स्टेप आप देखने को यहाँ पे मिल जाता है, तो ऑप्शन हमें यहाँ पे मिलने वाला है। और नीचे आपके बाकी सारी सेटिंग बिल्कुल सेम आपको मिलने वाली है, अदर साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन। एंड यहाँ पे अगर हम चलते हैं ऑक्टावी लैब के अंदर तो यहाँ पे काफ़ी सारी चेंजेस हुई हैं जो कि इधर उधर मूवमेंट हुई है सिस्टम के अंदर। थीमिंग में हमारा जो है यहाँ पे पहले एसेंट स्पीकर देखने को मिलता था, लेकिन यहाँ पे नीचे आप देखोगे तो डिस्प्ले की जो सेटिंग्स पहले हमें देखने को मिलती थी, डार्क थीम, हेडलाइन, बॉडी फॉन्ट, आइकन, पैक, ये सारे ऑप्शन, तो ये सब जो है आपको यहाँ पे अब ऐड कर दिए गए थे, यहाँ पे अब आपको थीमिंग के अंदर देखने को मिलेंगे। एंड यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे सिस्टम वाइड एनिमेशन जो कि ऐड किया गया और साथ साथ यहाँ पे स्क्रीन ऑफ एनिमेशन भी अब आपको देखने को मिलने वाला है इस अपडेट से। एंड क्विक सेटिंग्स के अंदर आप देखोगे तो सारी सेटिंग्स आपको बिल्कुल सेम मिलने वाली पहले की तरह, बस लास्ट का जो ऑप्शन है क्यूएस क्लॉक पोजीशन ये जो है इस अपडेट में ऐड किया गया है, तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ क्या काम है इसका। क्लॉक आप देख सकते हो पोजीशन उसकी, हम यहाँ पे जो है इसे स्टार्ट करते हैं, ऑन करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो क्लॉक की पोजीशन जो है यहाँ पे चेंज हो गई, तो बस ये ऑप्शन है जो कि आपको यहाँ पे ऐड किया गया है। एंड यहाँ पे एम्बिएंट डिस्प्ले के अंदर आपको यहाँ पे ऑलवेज ऑन ये सारे ऑप्शन देखने को मिलने वाले हैं जो कि पहले में डिस्प्ले के सेटिंग्स के अंदर भी देखने को मिलते थे, लेकिन हालांकि ये जो है पहले भी काम नहीं करता था और अभी भी ये काम नहीं कर रहा हमारा ऑलवेज ऑन। एंड यहाँ पे डबल टैप टू चेक फोन, ये सारी चीज़ें जो है काम करती हैं, तो ये सारे ऑप्शंस हैं जो कि आपको यहाँ पे मिलते हैं। और यहाँ पे हमारा जो है ये एज लाइटिंग का भी ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। एंड स्क्रीनशॉट टाइप आपको पहले भी सेम बिल्कुल मिलता था और स्क्रॉलिंग कैच भी आपका जो है पहले भी सेम मिलता था। एंड अगर हम चलते हैं यहाँ पे लॉक स्क्रीन अंदर तो यहाँ पे आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलती है, जैसा पिछले अपडेट में था उसी तरीके से आपको मिलने वाला है। और यहाँ पे FOD जो कि आइकन पर स्पीकर दिया गया है फिलहाल हमारे लिए नहीं है, जिनमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है उनके लिए है। एंड यहाँ पे अगर हम चलते हैं बटन्स के अंदर तो यहाँ पे वॉल्यूम बटन्स के अंदर आपको मिल जाता है वॉल्यूम पैनल स्टाइल, जो कि आप चेंज कर पाओगे अपने वॉल्यूम स्टाइल को, तो ये आपको मिल जाता है। और अगर हम चलते हैं यहाँ पे टच एंड टैप जो कि टॉर्च एंड टैप के अंदर, तो यहाँ पे आपका स्वाइप टू स्क्रीनशॉट देखने को मिलेगा, इस बार यहाँ पे ऐड कर दिया गया है जो कि पहले कहीं और था, और बाकी सारी सेटिंग्स आपको सेम मिलेगी। एंड कस्टमाइज पावर मेन्यू आपका जो है सिस्टम में पहले देखने को मिलता था इसके अंदर, और नेविगेशन बार कस्टमाइज भी आपका वो सिस्टम में ही देखने को मिलता था, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे ऐड कर दिए गए और इसमें आपको कोई चेंजेस नहीं है, जैसा पहले था बिल्कुल आपको उसी तरीके से मिलने वाला है। जेस्चर आपका बिल्कुल इसी तरीके से काम कर रहा है और थ्री बटन नेविगेशन भी हमारा जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से काम कर रहा है, तो इनके अंदर फिलहाल आपको चेंजेस नहीं होने वाला है। फिलहाल बस ये सिस्टम के अंदर थे, अब आपको यहाँ पे बटन्स के अंदर ऐड कर दिए गए इनको, और ये जो है बिल्कुल इसी तरीके से काम कर रहा है। और अगर हम यहाँ पे चलते हैं हमारा जैसे कि तो ये हमारा लॉक स्क्रीन हो गया, बटन्स हो गया एंड स्टेटस बार के अंदर अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे भी आपका जो है यहाँ ट्रैफिक इंडिकेटर आपका बिल्कुल सेम मिलने वाला है, और यहाँ पे बैटरी जो कि मोड आपका मिल जाता है, बैटरी सेटिंग सारी सारी। एंड नोटिफिकेशन के अंदर आपका यहाँ पे चेंज मिलने वाला है जो कि डायलर हेडसअप आपको देखने को अब आपको यहाँ पे मिलने वाला है, और साथ साथ नोटिफिकेशन साउंड इफ एक्टिव, ये दो ऑप्शन है जो कि यहाँ पे न्यू ऐड किए गए हैं, बाकी सारे आपके सेम बिल्कुल देखने को मिल जाते हैं। बैटरी चार्जिंग लाइट भी आपको मिल जाता है यहाँ पे। एंड यहाँ पे आप अगर देखते हैं आइकन पैक की तरफ तो आइकन पैक आपका जैसा पहले था उसी तरीके से, इनमें आपको कोई भी चेंजेस नहीं मिलता है। और अगर मिस के अंदर चलते हैं तो यहाँ पे पहले आपका गेमिंग मोड देखने को नहीं मिलता था जो कि अभी ऐड कर दिया गया है, और साथ साथ यहीं पे आपको पहले स्वाइप टू स्क्रीनशॉट देखने को मिलता था जो कि अभी फिलहाल टॉर्च एंड टैप के अंदर ऐड किया गया है। एंड बाकी सारे ऑप्शंस आपके सेम मिल जाते हैं यहाँ पे। तब आपका यहाँ पे ऑक्टावी लैब के अंदर सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। अब बात करते हैं सिक्योरिटी के अंदर, तो सिक्योरिटी के अंदर फिंगरप्रिंट फेस अनलॉक आपको मिल जाता है, और फिंगरप्रिंट आपका पहले की तरह अभी भी काम करें, एंड्रॉइड 10 में जैसे काम करता था कि लॉक करते टैप करोगे तो अनलॉक नहीं होता है, आप देख सकते हो, तो ये उसी तरीके से, लेकिन फिंगरप्रिंट अच्छी तरीके से जो है रिस्पॉन्स दे रहा है। और यहाँ पे जो है आपका फेस अनलॉक भी काम कर रहा है, बस तो वही है कि वन टैप वाला इशू है। एंड स्क्रीन लॉक सेटिंग्स ये आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगी, एंड बाकी सारी सेटिंग्स आपकी सेम है, यहाँ पे भी कोई चेंजेस नहीं। अगर हम चलते हैं यहाँ पे सिस्टम की तरफ तो सिस्टम के अंदर आपका जेस्चर सेटिंग्स है जिसके अंदर आपकी सारी की सारी सेटिंग बिल्कुल सेम है, यहाँ पे आपको कोई भी चेंजेस इस अपडेट में नहीं मिलता है, जैसा था उसी तरीके से आपको मिलेगा। एंड सोमी पार्ट्स की बात करें तो यहाँ पे MI साउंड एनहांसर आपका पहले भी मिलता था और पहले भी काम नहीं करता था, अभी भी जो है ये काम नहीं करता है। FPS इन्फो लेयर काम करता है, एंड बाकी सारी सेटिंग्स आपकी सेम पहले की तरह है। एंड नीचे हमारा जो है डिजिटल वेलबिंग मिल जाता है, और इसको भी फिक्स किया गया क्योंकि डिफरेंट लैंग्वेज पे जो है इसके इसमें भी प्रॉब्लम होती थी, वो भी यहाँ पे फिक्स कर दिया गया फिलहाल इस अपडेट में। एंड बात करते हैं यहाँ पे इंटूटू बेंचमार्क स्कोर की,
तो यहाँ पे जो है 136,742 इस बार देखने को मिल रहा है, और इससे पहले वाले अपडेट में 1.4 में 154,000 था। तो आप सोच सकते हो कि वहाँ पे कितना ज़्यादा था और यहाँ पे कितना कम हो चुका है इस अपडेट में। तो यहाँ पे काफ़ी डाउन हुआ है। एंड अगर हम यहाँ पे बात करते हैं पबजी की, तो पबजी की जो ग्राफिक है आपको स्मूथ पे हाई मिलती है, बैलेंस पे हाई है, और HD पे भी हाई ही मिल जाती है। ग्राफिक हमारी पहले की तरह है, इसमें फिलहाल कोई चेंजेस आपको नहीं मिलता। और अगर हम बात करें यहाँ पे पबजी परफॉर्मेंस की, तो पबजी परफॉर्मेंस आपको बिल्कुल यहाँ पे हल्का सा डाउन पहले से आपको मिलने वाला है। और स्कोर भी आपने देख ही लिया कि पिछले अपडेट में जो है 1,54,000 था और यहाँ पे 1,36,000 है। तो कितना यहाँ पे डाउन आपको पिछले अपडेट के मुकाबले देखने को मिल जाता है। और अब आपके अंदर कोई डाउट यहाँ पे नहीं होना चाहिए कि कौन सी चेंजेस यहाँ पे हुए हैं इस अपडेट में। आपको बिल्कुल क्लियर सारी चीज़ें बता दिया हूँ। अगर कुछ मिस हुआ होगा तो उसके लिए सॉरी, लेकिन अपने हिसाब से मैं सारी चीज़ें बिल्कुल आपको बता दिया हूँ। कोई डाउट यहाँ पे नहीं होना चाहिए उसे। तो फिलहाल अभी आपको जो है यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट रिव्यू मिल चुका होगा, और इसी तरह के आगे भी जो है आपको बिल्कुल डिटेल्स में जो है वीडियो हमेशा मिलती रहेगी। और अगर आप नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लें, ताकि जब भी मैं अगली वीडियो अपलोड करूँ आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।